बड़ी हैरानियों में घूमता हूँ मैं, हाँ परेशानियों में घूमता हूँ मैं। एक नया रूप दिखता है दुनिया का जब भी नादानियों में घूमता हूँ मैं। कुछ लोग जानते हैं मुझे कल परसों से, बाकियों के लिए बस कहानियों में घूमता हूँ मैं। निहारता फिरता हूँ इस कुदरत करिश्मा को, कभी बर्फ़ ढके पहाड़ तो कभी पानियों में घूमता हूँ मैं। एक एक शख्स ईमानदार है इस भरे ज़माने में, बस अकेला बेमानियों में घूमता हूँ मैं। राबता एक एक अनजान से निकल आता है मेरा, राबता एक एक अनजान से निकल आता है मेरा, बस इसी हैरानियों में घूमता हूँ मैं। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा, हम आए थुकला फंगबोचे से और रुके यहाँ एक रात। तो आज हम जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन माउंट एवरेस्ट बेस कैंप। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल नोमैडिक जर्नी। और आज का जो ट्रैक है वो काफ़ी ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आज हमें पहले तो जाना है थुकला से थुकलाला, मतलब थुकला पास, देन हमें जाना है गोरखक्षेप, एंड देन हमारी डेस्टिनेशन माउंट एवरेस्ट बेस कैंप। तो चलते हैं और करते हैं एक्सप्लोर। थुकला विलेज से जो थुकला पास का ट्रैक है वो बहुत ही स्टीप ट्रैक है, मतलब काला पत्थर के बाद दूसरी सबसे खड़ी चढ़ाई यही है। बट यार थुकला पास और यहाँ के व्यूज अमेजिंग, सुपर अमेजिंग। सो इस टाइम मैं थुकला ला पास पे, और जो व्यू है वो बहुत अच्छा है। बहुत हार्ड क्लाइम थी थुकला टू थुकला ला पास तक की, और काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, इसलिए मैंने कैप वगैरह पता भी नहीं कैसे पहनी हुई है, बस कैप पहनी हुई है, अपने आप को कवर किया हुआ है और चल रहा हूँ। अभी मेरे पास एक और जैकेट है जो ज़्यादा गर्म है, अब वो पहनूंगा मैं। ये व्यू यहाँ से है, हमें आगे की तरफ जाना है। तो जितने भी ये यहाँ दिख रहे हैं ये सब मेमोरियल है, ले जो लोग एवरेस्ट पे चढ़े थे और चढ़ते वक्त मर गए उनके याद में बनाए हुए हैं ये स्टोन के। सो जो उस साइड आप देख रहे हो वो बाबू श्री शेरपा जी का है, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था एवरेस्ट क्लाइंबिंग का विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर। सो विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर वो एवरेस्ट की क्लाइंब की थी, बट उतरते वक्त वो फिसल गए और उनकी मौत हो गई, और ये उनके याद में बनाया हुआ है। सो चलते हैं गोरखक्षेप की तरफ। तो थुकला विलेज से लगभग 45-50 मिनट के ट्रैक के बाद हम थुकला पास पर पहुंच गए, और अब हमें जाना है गोरखक्षेप। गोरखक्षेप जो है वो वैसे थुकला से 3-4 आवर का ट्रैक है, ज़्यादा बड़ा ट्रैक नहीं है आज का, बट हाई एल्टीट्यूड रीजन में जब आप होते हो तब छोटे छोटे ट्रैक भी, मतलब छोटा रास्ता भी बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि चलते वक्त सांस फूलती है और इतना इजी नहीं होता चलना, हवाएं बहुत ज़्यादा चल रही होती है, मूवमेंट इतनी आसान नहीं होती, रास्ता भी बहुत ज़्यादा मतलब लाइक रॉकी ट्रेल्स है, पूरी स्टोन ही स्टोन है, कहीं ग्रीनरी नहीं कुछ नहीं, और कोई सोर्सेज भी अवेलेबल नहीं है लाइक वाटर वगैरह, वो सब अपना को खुद का कैरी करना पड़ता है, रास्ते में बहुत कम कुछ मिलता है। जो गोरखक्षेप है वो माउंट एवरेस्ट बेस कैंप का सबसे नियरेस्ट विलेज है, सबसे पास वही एक पॉइंट है, उसके बाद देन सीधा माउंट एवरेस्ट बेस कैंप। और गोरखक्षेप में भी आपको मोबाइल नेटवर्क्स मिल जाएंगे, बट स्टिल आपको बहुत हाई पे करना पड़ेगा यदि आपको इंटरनेट चलाना है तो यदि जैसे कोई इमरजेंसी कॉल करनी हो तो आप यूज़ कर सकते हो इंटरनेट का। जैसे मेरे को घर पे कॉल करनी थी तो मेरे लगभग 100 रुपीज़ लग गए थे एक कॉल करने के, बट कॉल हो गई। और गोरखक्षेप ही पॉइंट है काला पत्थर और एवरेस्ट बेस कैंप का, मतलब यहीं से रास्ता निकलता है। सो गोरखक्षेप पहुंचा, गोरखक्षेप पहुंच के मैंने लंच किया अपना, उसके बाद मैंने 1.5 से 2 घंटे रेस्ट किया, मैं सो गया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, और उसके बाद एनर्जी की जरूरत थी तो सो गया, एंड देन ट्रैक स्टार्ट किया माउंट एवरेस्ट बेस कैंप का। ऑन द वे टू एवरेस्ट बेस कैंप फ्रॉम गोरखक्षेप, और फीलिंग टू मच टायर्ड, लेट्स सी, दिस इज द एवरेस्ट रीजन एंड इट्स अप्रोक्स 3 आवर ट्रैक to EVC from Gorakhshep. Let's go. So Gorakhshep से Mount Everest Base Camp का जो ट्रैक है वो बिल्कुल अलग ही है, मतलब उस जगह की, उस ट्रैक की अलग ही वाइब्स है, मतलब
उस टाइम जो फील होती है, आप 5 दिन 6 दिन 8 दिन से जिस डेस्टिनेशन के लिए ट्रैक कर रहे हो उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हो, वो फील अलग ही होती है यार। और वो रीज़न भी ऐसा है, मतलब मैंने सुना था जब मैं ट्रैक पे आ रहा था उससे पहले, मैंने कई बार सुना था कि एवरेस्ट रीज़न ऐसा है कि पहले पत्थर गिरता है फिर आवाज़ आती है, और यहाँ सीरियसली फील किया। मतलब मैं चल रहा हूँ ट्रेल पे और साइड वाले पहाड़ पे कुछ पत्थर गिर रहा है, पहले तो वो पत्थर गिरता है फिर चारों तरफ आवाज़ गूंजती है उसकी, डर सा लगता है। और हाई एल्टीट्यूड पे स्टे करना भी इजी नहीं होता, तो आज रात का स्टे भी बहुत मुश्किल होगा। यू कैन सी द बेस कैंप, आवाज गूंज रही है, बंद कर। यू कैन सी द फ्रोजन वाटर हेयर, यू कैन इमेजिन द टेम्परेचर बाय सीइंग दिस फ्रोजन वाटर एंड दिस काइंड ऑफ स्नो। एवरेस्ट बेस कैंप इज ऑन साइड ऑफ दिस स्नो। काफ़ी ही लंबे ट्रैक के बाद, काफ़ी ही इंतज़ार के बाद, काफ़ी ही मुसीबतों के बाद, काफ़ी ही इंजॉयमेंट के बाद फाइनली हम पहुंच गए हमारी डेस्टिनेशन माउंट एवरेस्ट बेस कैंप। यार ये डेस्टिनेशन मतलब ड्रीम डेस्टिनेशन थी, मैं यहाँ पहुंच के रो पड़ा सीरियसली। काफ़ी ही अच्छा, कुछ अलग ही वाइब थी यार इस जगह की, कुछ अलग ही वाइब्स थी। और यहाँ आके जो फील हुआ उस टाइम, वो मैं मतलब शब्दों में नहीं बता सकता आपको कि क्या उस टाइम की फीलिंग थी। मतलब आप किसी ट्रैक के लिए स्पेशल एक कंट्री से दूसरी कंट्री आए हो, देन आपने फ्लाई किया है, देन आप ट्रैक करे जा रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, आप दुनिया से कट के एक जगह पे हो, और देन वो डेस्टिनेशन पे पहुंचना, और मतलब माउंट एवरेस्ट बेस कैंप, दुनिया की हाईएस्ट पीक के बेस कैंप पे, अलग ही वाइब्स थी यार इस जगह की, अलग ही वाइब्स। सो माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पे काफ़ी सारे कैंप्स हैं, तो आप कैंप में भी स्टे कर सकते हो, बट हमने गोरखक्षेत्र स्टे किया क्योंकि कैंप में स्टे करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर रात को -25 -30 तक पहुँच जाता है। और जो जितना मुझे पता है, मुझे इस चीज़ का प्रॉपर पता नहीं कि आपको यहाँ स्टे करने के लिए किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, क्या होगा, बट यहाँ स्टे करना बहुत मुश्किल है। और यहाँ बेसिकली क्लाइंबर स्टे करते हैं, जैसे जितने ज़्यादा आप टेंट देख रहे हो ये सारे टेंट उनके हैं जो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने जा रहे हैं। तो उनका क्या होता है, यहाँ पे 1 से 1.5 महीने ट्रेनिंग पीरियड होता है जिसमें आइसलैंड पीक पहल का क्लाइंब करवाया जाता है, उसके बाद और जो आसपास के छोटे मोटे ट्रैक है वो करवाए जाते हैं ताकि उनकी बॉडी एक्मेटाइज हो जाए, उनको 1 महीने यहीं रखा जाता है, उसके बाद वो क्लाइंबिंग के लिए जाते हैं। और ये बेस कैंप होता है, लाइक कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए कैंप 1 कैंप 2 कैंप 3 में, तो यहीं से सोल्यूशन निकलता है, यहीं से शेरपा जाते हैं या फिर रेस्क्यू करके बंदों को यहाँ लाया जाता है, देन यहाँ से वही फंगबोचे फिरीचे और देन लुकला देन काठमांडू। तो ये जो है ये मेन पॉइंट है क्लाइंबर्स का नेपाल वाली साइड से। लोग तिब्बत वाली साइड से भी क्लाइंब करते हैं, बट तिब्बत वाली साइड से क्लाइंब करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है नेपाल वाली साइड की बजाय। तो जितने भी मैंने क्लाइंबर्स देखे हैं माउंट एवरेस्ट के, या फिर जितने भी मेरे नॉन में जिन्होंने क्लाइंब किया है, ज़्यादा बंदे तो नहीं है बट कुछ बंदों को मैं जानता हूँ, और उन सब ने नेपाल वाली साइड से ही किया है क्योंकि उस साइड से थोड़ा मुश्किल है क्लाइंब करना। तो जैसा कि आप देखोगे ये एवरेस्ट रीजन में बहुत ज़्यादा रेस्क्यू सर्विस होती है, मतलब लोग बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं, एक्मेटाइजेशन नहीं हो पाती, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ जाती है या फिर लग जाती है, तो बहुत आपको जगह जगह ऐसे हेलीपैड तो नहीं कहूँगा, हेली पॉइंट बोलूँगा क्योंकि प्रॉपर हेलीपैड नहीं बने होते, बट ये यहाँ पर भी लैंड कराते हैं, यहाँ से भी बंदों को रेस्क्यू करते हैं, लेके जाते हैं, कई बार रोप से बंदों को ऊपर लेके आते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है। बट रेस्क्यू सर्विस, यदि आप माउंट एवरेस्ट बेस कैंप आ रहे हो तो एक चीज़ का खास ध्यान रखना, आप अपना ट्रैवल इंश्योरेंस करवा के आना। मेरे पास ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं था, इस चीज़ का मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई, नहीं तो मैं भी रेस्क्यू ले सकता था जब मुझे प्रॉब्लम आई थी, कल के वीडियो में आप देखोगे। और इसके अलावा आप जब भी आओ अपना ट्रैवल इंश्योरेंस करा के आओ, ताकि आपको रेस्क्यू के आगे जाके पे ना करने पड़े, मतलब बहुत ही मिनिमम से पे करने पड़े, नहीं तो रेस्क्यू के 7 लाख 8 लाख 6 लाख कितने भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप कौन सी सिचुएशन में फंसे हो। तो यदि आपको आना है तो आप अपना ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर करवा के आओ, ताकि आपको रेस्क्यू के जो रिस्क है वो ख़त्म हो जाए, पे करने का रिस्क या फिर रेस्क्यू होने का रिस्क। 5 दिन की मेहनत पूरी हो गई, क्या व्यू है यहाँ से। 5 डेज की ट्रैकिंग के बाद फाइनली आई एम ऑन एवरेस्ट बेस कैंप।
ये खुशी बहुत ज्यादा है, पर ठंड में निकल दे रही है खुशी अभी कहते ना, खुशी जम गई है ठंड में, बहुत ज्यादा ठंड है, माइनस में टेम्परेचर होगा यहाँ पे। दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ एवरेस्ट बेस कैंप, देर आर सम कैंप देयर और कुछ कैंप वहाँ पे भी है, ये कुछ ग्लेशियर्स है और बहुत अच्छे व्यू के सामने आए। व्यू जो है वो देखो यार, तो एवरेस्ट बेस कैंप पे लगभग 30 to 40 मिनट स्पेंड करने के बाद फाइनली हम चल पड़े गोरखक्षेत्र की तरफ वापस, क्योंकि रात को स्टे हमें वहाँ करना था और यार वहाँ का स्टे भी काफ़ी ही मुश्किल था, काफ़ी ही मुश्किल, क्योंकि इतने माइनस टेम्परेचर में रहना और हमें ज़्यादा देर यहाँ भी नहीं रुक सकते थे और मेरे को सोना भी जल्दी है और हाई एल्टीट्यूड में नींद बहुत कम आती है, पता नहीं क्या रीज़न है। ठंड है कि स्लीपिंग बैग और रजाई दोनों का यूज़ करना पड़ रहा है, स्लीपिंग बैग -10 डिग्री तक का है तो अच्छा रहेगा, काफ़ी ठंड है, लगभग -5 -10 होगा और मे भी रात को और नीचे हो जाए टेम्परेचर, और हर बार की तरह गैजेट्स को सभी को एक रजाई में डाल के पैक करके रखना पड़ रहा है ताकि बैटरी जो है वो गर्म रहे, यदि बैटरी ठंड में ठंडी हो जाएगी तो डिस्चार्ज हो जाएगी, जम जाएगी। तो ये कुछ आज का हमारा रात का सीन है, स्लीपिंग बैग में फिट होएंगे, रजाई ओढ़ेंगे और सो जाएंगे, सुबह सुबह जाएंगे काला पत्थर। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जाएंगे हम काला पत्थर और फंगबोचे वापस। अभी भी ये सीरीज ख़त्म नहीं हुई है, माउंट एवरेस्ट बेस कैंप की सीरीज़ में अभी भी बहुत अच्छा एक पार्ट बाकी है और काफ़ी सारी नई नई वीडियोज़ अभी आएगी। अभी हम गोक्यो लेक जाएंगे, यहाँ से फंगबोचे जाएंगे, फंगबोचे से फोरचे, फोरचे से गोक्यो लेक, एंड देन गोक्यो लेक से फिर हम नामचे बाजार दोबारा एंड लुकला, उसके बाद काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करूँगा आने वाली वीडियोज़ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब दी चैनल नोमैडिक जर्नी।